क्या आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सीरियस हैं? क्या सच में आप एक सफल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप एक सफल प्रोग्रामर बन सकते हैं। और अगर आप ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक सफल प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो और दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, जस्ट प्रोग्रामिंग सीखना चालू किया है या फिर सीखने वाले हैं, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी मैं बताने वाला हूँ उसे ठीक से फॉलो करना, क्योंकि अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले कुछ टाइम में एक बेहतर प्रोग्रामर बन जाओगे। मेरा नाम है वीरेन, आप सबका स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग ग्रुपर्स के इस नई वीडियो में। पॉइंट नंबर वन, बी क्रिएटिव एंड ऑब्जर्वर। क्रिएटिवनेस और ऑब्जर्वेशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको औरों से अलग बनाती है। एक आम इंसान और एक प्रोग्रामर जब भी किसी एक चीज़ को देखते हैं, वो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिवनेस है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक ऑब्जर्वर हो, बेस्ट ऑब्जर्वर, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मार्क जुकरबर्ग का, जो फेसबुक के फाउंडर है। आपको पता होगा कि उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम से ही फेसबुक बनाना शुरू कर दिया था और उनके पास जो क्रिएटिविटी थी उसी का उन्हें फ़ायदा हुआ था। और अगर हम बात करें एक और बड़े एग्जांपल की, तो वो है लैरी पेज, जो है गूगल के फाउंडर। आपको पता होगा कुछ सालों पहले गूगल का नाम नहीं था, पहले चलता था याहू। वो एक बहुत ही बड़े ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ये देख लिया था याहू में कि वहाँ पे सिर्फ लोग सर्च इंजन के लिए जाते हैं, लोगों को वहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें से बहुत कम लोग हैं जो उन ऑप्शन की ओर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग याहू को विजिट करते सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए। तो उन्होंने खुद की वेबसाइट को ऐसे बना दिया कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जब भी विजिट करेंगे गूगल को, वहाँ पे सिर्फ आपको सर्च इंजन ही देखेगा। तो ये होते हैं एक बेस्ट ऑब्जर्वर। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है और अगर आप एक बेस्ट ऑब्जर्वर है, तो आप एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बन सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स। और तीन ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है जो हर एक प्रोग्रामर में होनी चाहिए। सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी टीम बिल्डिंग, और तीसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, वो कहाँ इस्तेमाल होती है? अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो या फिर कहीं अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप अपने क्लाइंट को कुछ समझा रहे हो और आपके अगर कम्युनिकेशन वीक है, तो शायद से आपकी वो डील कैंसिल भी हो सकती है। या फिर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये स्किल हर फील्ड में बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए अब एज अ प्रोग्रामर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात की थी मैंने टीम बिल्डिंग की, हर एक प्रोग्रामर के पास ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोग्रामर है, अगर आप अपने टीम के साथ काम कर रहे हो, तो उनके साथ मिलजुल के आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अकेले में रहकर काम करोगे तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि टीम बिल्डिंग यानी कि टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं उसे। और अगर एज अ प्रोग्रामर आपके पास ये स्किल है, तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकती है। एग्जांपल के तौर पे एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ स्टीव जॉब्स का। उनका एक किस्सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एक बार उनकी टीम को उन्होंने कहा था एक मोबाइल बनाने के लिए, उनके टीम ने उनका एक मोबाइल बना के दे दिया। लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने वो मोबाइल देखा, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, बहुत ज़्यादा थिक था। तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि वो मोबाइल और पतला करें, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि इससे ज़्यादा पतला फ़ोन नहीं बन सकता। तो उस टाइम पे स्टीव जॉब्स ने क्या किया, नज़दीक के फिश टैंक में वो मोबाइल डाल दिया, और उसके बाद उस मोबाइल के अंदर से बबल्स बाहर निकले। स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि अगर इसमें से बबल्स बाहर निकल सकते, यानी कि इसमें हवा है, और अगर इसमें हवा है तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह भी है। इसे कहते हैं टीम बिल्डिंग। एज अ प्रोग्रामर आप में
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर रोज, हर वक्त, हर महीने अगर आप कहीं जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो वो होता है जुगाड़ूपन, और हर एक इंडियन के पास वो होता ही है, क्योंकि हम हर चीज़ को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, बिलीव इन टीम वर्क। आप कहेंगे मैंने दूसरे पॉइंट में ये बता दिया था कि टीम बिल्डिंग क्या होती है, लेकिन टीम बिल्डिंग और टीम वर्क इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एज अ प्रोग्रामर हमेशा आपको टीम वर्क पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आप जो काम अकेले 3 दिनों में करोगे वही अगर आपके पास टीम होगी तो आप शायद से 3 घंटों में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब भी हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेसर कौन सा है, i3, i5, i7 या i9। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम i3 अगर लेंगे तो उसमें प्रोसेसिंग पावर कम होती है, i5 लेंगे तो उससे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है i3 से, या फिर अगर हम i7, i9 की बात करें तो उसमें उनके मुकाबले ज़्यादा पावर होती है प्रोसेस करने की। प्रोसेस यानी क्या होता है? जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा या फिर जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अगर एक बंदा उस प्रोजेक्ट को 10 दिनों में कर सकता है तो 10 बंदे मिलकर उस प्रोजेक्ट को 1 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करने की मतलब प्रोसेसिंग की पावर बढ़ जाती है। और इसीलिए एज अ प्रोग्रामर आपको हमेशा टीम वर्क पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था फेसबुक के फाउंडर, अगर आपने सोशल नेटवर्क उनकी जो मूवी है वो अगर देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है, और उन्होंने भी कहा है जब उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर की थी, उन्होंने अकेले नहीं की थी। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आप खुद काम करें तो आप ही सोचिए, अगर आप अकेले वो काम करने लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही अगर आप अपने दोस्तों पर भरोसा रखें या फिर कोई टीम बिल्ड कर ले और उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट की शुरुआत करें तो आपको नए नए आइडियाज भी मिलते रहेंगे हर एक से, साथ ही वो काम आप बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से कर पाएंगे। यही होता है एक टीम वर्क का फायदा। इसीलिए एज अ प्रोग्रामर आपको टीम वर्क पे बिलीव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर आप एक बिगनर है तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये गलती करते थे और इसीलिए प्रोग्रामर बन नहीं पाते, या फिर उन्हें कोडिंग बहुत बोरिंग लगती है, या फिर आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम होती है कोडिंग करने में। पॉइंट नंबर 4 है प्रैक्टिस टू राइट कोड। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग करना, अगर आप किसी लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है और आप उस पर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट दिन में जो भी आपने सीखा है कम से कम 3 बार उसे कोड कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। बचपन में जब भी मेरे टीचर मुझे मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी होमवर्क देते थे घर पे करने के लिए, तो मैं उसके दिन में 3 बार प्रैक्टिस करता था, और उसका फ़ायदा मुझे आज हो रहा है। प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप कोई भी कोड राइट कर रहे हैं तो एटलीस्ट दिन में उसे 3 बार कीजिए, चाहे आप लगातार 3 बार कर सकते हैं या फिर दिन में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। आगे जाके जब भी आपको कोई उसी टाइप का प्रोग्राम बनाना होता है, सामने कोई भी प्रॉब्लम वैसे ही आती है, तो आप उसे फटाक से कर सकते हो। खुद से प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट दिन में 3 बार तो आपकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा पकड़ बनेगी। और जो चौथा मैंने पॉइंट बताया है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, अगर आप शुरुआत से कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ, जैसे मैंने कहा था, कुछ टाइम के बाद एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। पॉइंट नंबर 5 इज डोंट टायर्ड एंड डीमोटिवेट व्हेन प्रोग्राम शोज एरर व्हाइल डीबगिंग। जब भी आपका कोई प्रोग्राम अगर एरर शो कर रहा है और आप उसे डीबग करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है और ना ही हार माननी है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं है जिसने पहली बार में कोई प्रोग्राम बना दिया और पहली बार में वो रन कर रहा है, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई बग दिखाता ही है, और उन्हें डीबग करना ही हमारा काम है। और बिगिनर्स को यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसे लाइन बाय लाइन पढ़िए, जिससे जब भी कोई एरर शो करेगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बग है और कहाँ पे हमें उसे फिक्स करना है। पॉइंट नंबर 6, मैथ्स। अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनना है
तो आपको एटलीस्ट मैथमेटिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे हो मैथ्स में, आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स आने चाहिए, खास करके लॉजिक, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग एक बहुत बड़ा रोल है प्रोग्रामिंग में। जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, लॉजिक बिल्डिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जरूरी नहीं हर कोई मैथ्स में अच्छा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिनका मैथ इतना भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको बस मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है, स्टे अपडेटेड। एज अ प्रोग्रामर आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते, कोई भी आप अगर पाइथन सीखे या फिर कोई भी अगर लैंग्वेज सीखते, जहाँ पे जब भी कोई अपडेट आता है उस लैंग्वेज के बारे में या फिर प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हमेशा आपको उसे समझना है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग का टूल्स हो। जैसे अगर आप कोई आईडीई इस्तेमाल करें या फिर उस आईडीई में कोई बदलाव आया या फिर उस आईडीई में कोई नया अपडेट आया है, तो वहाँ पे आपको हमेशा देखना होगा कि वो बदलाव आपके किस काम आ सकता है। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई अपडेट आता है तो उसे पहले के मुकाबले बेहतर बनाने के लिए ही आता है, और अगर आप उस अपडेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद भी एक बेहतर प्रोग्रामर बन पाएंगे। कुछ सालों पहले अगर हम बात करेंगे, पहले नोटपैड इस्तेमाल होता था प्रोग्रामिंग करने के लिए, लेकिन आज के डेट में आईडीई का इस्तेमाल होता है, और आईडीई में भी इतने सारे अपडेट्स आए हैं जहाँ पे अगर आप कोई भी आपको कोड लिखना होगा तो आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले के ज़माने में पूरा कोड लिखना पड़ता था। लेकिन आज शॉर्टकट्स की मदद से, हेल्प से, हम किसी भी कोड को बहुत तेज़ी से लिख सकते हैं। पुराने ज़माने की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कोड लिखने के लिए एक दिन लग सकता है, वही कोड हम शॉर्टकट्स की मदद से, आज की आईडीई की मदद से, हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं कुछ घंटों में। अगर एज अ प्रोग्रामर आप अपडेट को एक्सेप्ट करेंगे और पहले से खुद को बेहतर बनाएंगे, तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। अभी तक मैंने जो भी 7 पॉइंट आपको बताए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। और अगर आप एक प्रोग्रामर है और 7 के 7 पॉइंट्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ, ज़रूर कहूँगा कि आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत लोग उसे इग्नोर करते हैं। आपको पता होगा एक प्रोग्रामर बैठ के ही काम करता है, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत का काम ना करने की वजह से उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत लोग इग्नोर करते थे, और इसीलिए जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसे लोग फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोग, और वो है जिम जाना। एज अ प्रोग्रामर आपको एटलीस्ट दिन में आधे से 1 घंटा जिम करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन भर बैठ के काम करते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसी वजह से आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और अगर आपको आगे जाके ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो आपको एटलीस्ट दिन में आधे से 1 घंटा जिम करनी ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ प्रोग्रामर के लिए एक और ज़रूरी बात है, और वो है स्लीप। अगर आप दिन के 7 से 8 घंटे कंटिन्यूसली पीसी के सामने, लैपटॉप के सामने अगर बैठ रहे और कंटिन्यूसली कोडिंग कर रहे हो, तो आप ही सोचिए आपके आँखों पे, आपके बॉडी पे उसका कितना असर होता है। और अगर आप नींद और जिम को अगर इग्नोर कर दोगे, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, और हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिम और स्लीप को इग्नोर ना करें। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे शुरुआत में, 7 पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को याद रखना और इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने से या सुनने से आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही अगर आपके कोई दोस्त है जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या फिर बन रहे हैं, तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।